इन दिस सेशन वी आर गु डिस दैट डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या होता है और उसको हम मेयर कैसे करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रिस्क बेसिकली किसी भी कंपनी की प्रॉबिलिटी है कि वो जो उसने आपको प्रामिस किया हुआ है जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया था उसकी क्या प्रॉबिलिटी है कि वो आपके साथ जो अग्री किया हुआ है रेट्स को वो दे पाएगी या नहीं दे पाएगी तो उसकी इस पर्टिकुलर असेसमेंट के लिए देर आर सर्टन रेटिंग एजेंसीज जैसे इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि किसी भी कॉरपोरेट जो बॉन्ड उसने इशू किया है कॉर्पोरेट सेक्टर ने किसी कॉर्पोरेशन ने उसके साथ किस किस्म का डिफॉल्ट रिस्क या किस किस्म के रिस्क एसोसिएटेड हैं उसके अंदर उसके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना हायर ग्रेटर रिस्क की है ग्रेटर रिस्क एसोसिएटेड है उसके साथ या लोअर रिस्क एसोसिएटेड है तो इस पर्टिकुलर चीज़ को असेस करने के लिए दुनिया में कुछ रेटिंग एजेंसीज काम करती हैं उनका काम ये होता है कि वो इन देर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड बाई दीज रेटिंग एजेंसीज़ जो इसको असेस करते हैं कि कोई भी जो कॉरपोरेशन है वो अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो एग्रीड अपॉन वैल्यूज़ उन्होंने दिए हुए हैं कि हम इस वैल्यू के ऊपर आपको रिटर्न देंगे और इस ये वैल्यूज़ आपको प्रॉमिस की जा रही हैं इंटरेस्ट uh, रेट के बारे में या कोई और जो भी उन्होंने अपना जो टर्म एंड कंडीशंस डिफ़ाइन किए हुए हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में उसकी उनकी पुरानी जो हिस्ट्री है उसमें वो ऐसा करते आए हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उनकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हुई है मार्केट में या वो लोगों को धोखा दे देते हैं इस तरह की तमाम चीज़ों को असेस करने के लिए आर सेवरल रेनाउंड फेमस रेटिंग एजेंसीज़ तो वो क्या करती हैं वो जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जारी करते हैं ख्वा वो हुकूमत जारी करेगी या को या कोई प्राइवेट सेक्टर का आ, की तरफ से जारी किया गया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो ये रेटिंग एजेंसीज़ उनकी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को उनकी क्रेडिबिलिटी को उनकी प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखते हुए एनालाइज करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर अपनी क्रेडिट रेटिंग्स देते हैं तो जब इन्वेस्टर ने किसी भी बॉन्ड में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है तो वो सबसे पहले क्या देखता है वो उसके डिफॉल्ट रिस्क के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए रेटिंग एजेंसीज़ की जारी करदा क्रेडिट रेटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करता है और अगर वो मुनासिब होती है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो हमेशा जब हम बॉन्ड रेटिंग्स की बात करते हैं तो ये कोई अल्फ़ाबेट्स की कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर जिसको इस्तेमाल करके जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो क्रेडिट रेटिंग करती हैं और वो क्रेडिट की क्वालिटी को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है। नाउ देर आर अ नंबर ऑफ कंपनीज जो के रेटिंग एजेंसीज़ के तौर पे काम करती हैं लेकिन दुनिया भर में ऑल टुगेदर तीन ऐसी मशहूर कंपनियाँ हैं जिनकी रेटिंग को दुनिया भर में एज स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है टू डिसाइड के हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उनमें हमारे पास मूडीज़ है उसमें स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है और फिर हमारे पास फिच रेटिंग्स है तो दीज आर द थ्री बिग कंपनीज़ जो कि क्रेडिट रेटिंग करके देती है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की आई एम गोइंग टू शो यू अ टेबल इन विच वी कैन सी द रेटिंग्स दैट आर इशूड बाय द थ्री फेमस रेटिंग एजेंसीज नेमली द मूडीज द स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड द फिच रेटिंग एजेंसी तो ये डिफरेंट लेटर्स के कॉम्बिनेशनस को इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट्स की क्रेडिबलिटी या फाइनेंशियल क्वालिटी या ओवरऑल उसकी जो आपने फाइनेंशियल हेल्थ है या उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उनके उनको उनको उनके इंडिकेटर्स के तौर पे हम इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं तो यू कैन सी दैट शुरू में तमाम जो आपको वैल्यूज़ देखने को मिल रहे हैं वो एज में हैं और जब हम मूडीज की रेटिंग देखेंगे वहाँ भी आपके पास ट्रिपल ए है जिसमें सबसे पहला लेटर कैपिटल है फिर लोअर केस में चला जाता है स्टैंडर्ड एंड पुअर तीनों कैपिटल ए लगाता है फिच भी तीन कैपिटल ए लगाता है तो जब हम ट्रिपल ए देखते हैं क्रेडिट रेटिंग किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इसका मतलब है कि ये बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है राइट right? इसका मतलब है कि जो इशर है वो बहुत ही सिक्योर है और जो उन्होंने आपको गारंटी दिया है वो आपको फुलफ़िल करेंगे अपने प्रॉमिस को इससे एक स्टेप नीचे चले जाएंगे तो आपको मूडीज का जो जो उन्होंने सिंबल इस्तेमाल किया है कैटेगरी नंबर टू के लिए दैट इज़ एक कैपिटल ए है एक लोअर केस का ए और फिर वन है जो जो कि इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एस एन लगाती है दो कैपिटल ए और इस साथ नेगेटिव का साइन और फिच का भी यही सिंबल है और ये हाई ग्रेड हाई क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है फिर आपके पास डबल ए आ जाता है फिर ए नेगेटिव है फिर उसके बाद आपके पास ए थ्री की कैटेगरी आ जाती है फिर हमारे पास डबल ए वाली कैटेगरी चली जाती है तो हम सिंगल ए पे आ जाते हैं उससे लोअर लेवल ऑफ़ क्रेडिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको हमने ए वन ए टू ए थ्री कैटेगरी देख रहे हैं स्टैंडर्ड पुअर की नोटिव नोट जो उन्होंने अपने लिए सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं वो ज़रा से मुख्तफ हैं मगर वहाँ भी ए ही प्राइमरिली इस्तेमाल हो रहा है ए का मतलब है कि ए क्वालिटी है रेटिंग ए रेटिंग उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इट मीनस इट इज़ सेफ़ लेकिन जितना ए ज़्यादा हो जाते हैं उतना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर जाता है सिंगल ए का मतलब है रिलेटिवली लेस क्रेडिबल तो हम कह रहे हैं अपर मीडियम ग्रेड आ गया है और इसके बाद आपको जो मुख्तफ़ कैटेगराइजेशन मिल रही हैं वो तमाम बी के हैं इसी तरह से हम पहले ट्रिपल बी की कैटेगरी देख रहे हैं स्टैंडर्ड पोर्स की उसमें प्लस का साइन भी लगाया गया है लेकिन जब मूडीज़ पे देखते हैं उन्होंने बी ए वन की कैटेगरी अपनी सिम्बल्स इस्तेमाल किए हैं ये आपका लोअर मीडियम ग्रेड के कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बाद फर्दर नीचे चले जाएंगे तो आपको सी और डी की कैटेगरीज़ देखने को मिलती है जो डी है दे आर हाईली रिस्की इसका मतलब है कि वहाँ जो रिलायबिलिटी है और क्रेडिबिलिटी है वो बहुत लो है तो अगर रेटिंग एजेंसीज़ किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सी और डी रेट करती हैं इट मींस के वहाँ बहुत बड़ा सब्सटैंशल हाई लेवली हाई लेवल का रिस्क एसोसिएटेड है इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में और दे आर टू स्पेक्यूलेटिव इनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस उनको प्रीवियसली देखने को मिल रहे हैं और क्रेडिबिलिटी वेरी लो है इसलिए दे आर नॉट कंसिडर टू बी सेफ टू इन्वेस्ट वेर एज इफ वी लुक एट द फाइनेंशियल रेटिंग्स दैट आर दैट आर रेटेड एज ए के कोई भी कॉम्बिनेशन से या बी के कोई भी कॉम्बिनेशन से तो वो रीज़नेबल हैं वो क्रेडिबिलिटी हायर लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बेस्ट कैटेगरी में आपको एज ए वाली कैटेगरी बेस्ट है या सेफेस्ट है और उसके बाद जो लोअर लेवल का कैटेगरी आता है जो कि रिलेटिवली सेफ है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं और दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कोड्स दैट आर यूज टू एक्सप्लेन द वेरियस लेवल ऑफ़ रेटिंग्स इशूड बाय द थ्री वेरी रिनाउंड रेटिंग एजेंसीज़ जिनकी रेटिंग को एज़ अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं दुनिया भर की इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ और जब हम पाकिस्तान की डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो इन्होंने यहाँ पे पैमाना इशू करते हैं आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ जो सकूक बॉन्ड ऐशू किए हैं हकूमत पाकिस्तान ने उसके ऊपर मूडीज़ ने बी, -बी नेगेटिव या बी ए नेगेटिव इस तरह करके रेटिंग दिया है तो इसका मतलब है कि वो बहुत बहुत हाई लेवल के ऊपर तो उसको उसकी क्रेडिबिलिटी को मार्क नहीं करे लेकिन दे आर कंसिडरिंग देम एज़ गुड और सेफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या सेफ़ इन्वेस्टमेंट के तौर पे उनको उस कैटेगरी में ही डाल रहे हैं उनको